और चलिए लिए चलते हैं आपको मथुरा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 3,10,000 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में थे। आज प्रातः जो 12 मई तक के डाटा संकलित किए गए हैं उसमें अब 2,04,000 एक्टिव केस वर्तमान में प्रदेश के अंदर हैं। प्रदेश ने टेस्ट और ट्रीट इस नीति को अपना करके अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर प्रारंभ किया है और उसके सार्थक परिणाम भी अब हम सबके सामने आ रहे हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे टेस्ट के मामले में अब तक 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट प्रदेश ने संपन्न किए हैं, जिसमें वर्तमान में प्रतिदिन हम लोग प्रदेश के अंदर 2,25,000 से लेकर के 2,50,000 टेस्ट कर रहे हैं। एक टेस्ट की क्षमता मार्च तक प्रदेश के अंदर 2,25,000 से 1,50,000 तक थी, हमने मार्च के बाद इसको एकाएक बढ़ाया है और ये संख्या वर्तमान में 2,25,000 से लेके 2,50,000 तक पहुंची है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने टेस्ट की इस क्षमता को एक दिन 2,97,000 तक भी किया था और निरंतर इसमें बढ़ोतरी करने के प्रयास हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर या देश के अंदर आपने देखा होगा जब फर्स्ट वेव चली थी तो फर्स्ट वेव के समय संक्रमण था लेकिन इतना तीव्र नहीं था। लेवल 1 के हॉस्पिटल में लेवल 2 और लेवल 3 ये तीन प्रकार के जो हॉस्पिटल बनाए गए थे, तीन प्रकार की जो सुविधाएं फैसिलिटी दी गई थी, इसकी संख्या में लेवल 1 में ही ज्यादातर लोग अपने आप ठीक हो जा पा रहे थे, ऑक्सीजन की आवश्यकता इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन की मांग उठी। फर्स्ट वेव के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल के द्वारा, मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा स्वयं अपने एग्रीमेंट के आधार पर या अपने स्तर पर एयर सेपरेटर प्लांट लगा करके स्थापित किए गए थे, उनसे उनका काम चल लेता था। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ी और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारतीय रेल ने और भारतीय वायुसेना ने हमें सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर 1,030 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन करने में सक्षम हुए हैं और ये आपूर्ति ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी और भारतीय वायुसेना के माध्यम से भी हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन किसी आपूर्ति के क्रम में पीएम केयर फंड से, सीएम केयर फंड से गन्ना विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा और सीएसआर से भी 377 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई
को अपनी स्वीकृत सहमति दी है। इसमें से कुछ प्लांट लग चुके हैं, कुछ लगने की प्रक्रिया में है। वर्तमान में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने बेड्स की क्षमता बढ़ाई है। लेवल वन के हमारे पास 1,60,000 बेड्स मौजूद हैं। लेवल टू लेवल थ्री के 80,000 बेड्स वर्तमान में प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जिनमें हर कोरोना पॉजिटिव को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर सुरक्षा कवच के लिए टीकाकरण को भी बड़े अभियान के रूप में लिया जा रहा है। 16 जनवरी से जब टीकाकरण का अभियान प्रारंभ हुआ था, पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीकाकरण दिए गए। इसके बाद जो फ्रंट लाइनर थे, ऐसे वॉरियर्स को टीकाकरण के साथ जोड़ा गया और फिर एक क्रम आगे बढ़ा। पहले 65 प्लस को, फिर 45 प्लस को इसके साथ जोड़ा गया। अब तक प्रदेश के अंदर 45 प्लस में 1,43,00,000 से अधिक लोगों को टीका दिया जा चुका है। जो भारत सरकार टीका हर व्यक्ति को मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है, राज्य के अंदर भी हम लोगों ने 18 प्लस को, 18 से 44 के बीच में टीकाकरण को राज्य सरकार को कराना है। राज्य सरकार बिना भेदभाव के सबको मुफ्त में टीका लगवाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मथुरा में भी, मथुरा वृंदावन में भी टीकाकरण का 18 प्लस का कार्यक्रम संपन्न प्रारंभ हो चुका है। हम लोगों ने प्रदेश में अब तक 2,65,700 से अधिक यूथ को भी टीकाकरण के साथ जोड़ा है। वे लोग, उनका टीकाकरण हो चुका है। और मथुरा के अंदर भी, मथुरा वृंदा जनपद के अंदर भी 6,000 से अधिक यूथ अब तक 18 प्लस से टीकाकरण में आच्छादित हो चुका है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में टीकाकरण के लिए देश के अंदर उपलब्धता को ध्यान में रखकर ग्लोबल टेंडर भी हम लोगों ने जारी किया है। प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन का एक वैकल्पिक जो व्यवस्था हो सकती है, इसमें